इसको इस तरीके से क्रिस्पी तल ले रही हूँ और ऐसे मेरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी हूँ कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी, मतलब कल मम्मी जी थी उपवास थी और आज है फारन। मेरे मम्मी वाले एक कपड़े दुकान में गए हुए थे इधर, तो कपड़ा अपना ले लिए हैं और उसके बाद ना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह का समय है, आप सभी को मेरा प्रणाम, क्या रहा गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ किचन में, सुबह सुबह वही किचन में ही रहना होता है तो किचन में हूँ। और आज ना थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत होगा क्योंकि एक साइड में छाला हो गया है इधर, तो उसकी वजह से ना बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। फिर भी अब तो बोलना ही पड़ेगा ही क्योंकि इधर भी थोड़ा हो गया, इधर तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा बोलने में जीभ में मतलब दांत में जीभ पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बना रही थी मैं इडली सुबह सुबह बच्चों की टिफिन के लिए, तो इडली बना रही हूँ, तो वही बना रही हूँ बस उसको ठंडा कर सुबह सुनूँगी। और मूँगफली की चटनी यहाँ पर मैं मूँगफली चुन रही हूँ, तो वही बना रही हूँ स्टार्ट। मतलब सुबह जल्दी उठ गई थी ना तो लेट होता था, तो इसकी वजह से ज़्यादा ब्लॉगिंग मतलब सुबह नहीं कर पाती हूँ। पर मैंने सोचा कि चलो अभी स्टार्ट कर देती हूँ बना रही हूँ, तो चटनी नहीं बनाई बस वही बच गया, वही बनाऊँगी बादाम की चटनी। तो ठीक है चलिए, ऐसा ही ब्लॉग में बने रही है और वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गले में भी अटक रहा है बहुत दिन में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो ठीक है चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों मैं देखिए पहले से इडली बना ली थी, मतलब डाल दी थी क्योंकि फिर लेट भी हो जाता ना इसकी वजह से, तो पहले मैंने सोचा कि इडली डाल देती हूँ पकने के लिए, उसके बाद में आराम से चटनी बनाती रहूँगी बादाम वाली। तो देखिए इडली बन के तैयार हो गई है, तो उससे मैं निकाल ली हूँ। और सूजी और दही वाला इडली बना रही हूँ ना, तो इसकी तैयारी पहले से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब सुबह ही कर लो तो हो जाता है। बस 5-10 मिनट सूजी और दही को अच्छे से भिगो के रख देना पड़ता है, मतलब उसको फेंट के सूजी और दही को, और 5-10 मिनट बाद फिर वही जो भी इसमें तड़का वगैरह डालना है वो सब करके मैं तड़का डाल ली हूँ। और उसके बाद सरसों और चना दाल हो गया, कड़ी पत्ता, मिर्ची, ये सब का तड़का आप दे सकते हैं। तो मेरे पास कड़ी पत्ता था नहीं तो वो नहीं डाली हूँ। उसके बाद तड़का दे के वही इडली वाले सांचे में डाल के अच्छे से बनने के लिए छोड़ दी थी, और थोड़ा सा वो सोडा डाल दी थी थोड़ा सा फूलने के लिए। और बाकी यहाँ पर देखिए चटनी भी बनाने की तैयारी कर लूँगी, और मूँगफली मैं भून ली थी तो वो डाल दी हूँ, उसमें नमक डाल दी हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से चटनी बनाती हूँ, और उसमें डाल दी हूँ मिर्ची। तो देखिए इडली भी काफ़ी बहुत अच्छी मतलब अच्छे से बन जाता है मेरा सूजी और दही वाला, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला। तो वही अभी थोड़ा ठंडा हो गया तो बाकी जितने भी सभी इडली को निकाल लूँगी मैं। और काव्यांश के लिए भी, क्योंकि स्कूल का भी लेट हो रहा था ना, क्योंकि उसे भी स्कूल जाना था, तो जल्दी जल्दी वही कर रही थी, और मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर रही हूँ तो क्योंकि इतना लंबा वीडियो है ना कि, तो इसको ऐसे स्लोली करती ना तो बोरी हो जाती आप लोग, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दी हूँ बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा ना मेरे मुँह में छाला हो गया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बोलने में, और थोड़े गले में भी खराश है तो इसकी वजह से। तो अभी वही बादाम की चटनी पीस ली हूँ, पता है इसमें बहुत सिंपल सा बादाम डाली हूँ, नमक डाली हूँ, मिर्ची डाली हूँ, और थोड़ा सा जीरा धनिया करके पीस ली हूँ। तो मैं इसमें ब्रश वगैरह कर ली हूँ, ये इडली वगैरह बनाई ना उसके बाद चली गई थी, काव्यांश के लिए सिंपल वाला इडली डाल दी हूँ। और मुझे ना ऐसे तड़का वाला मतलब तड़का लगा के ऐसे क्रिस्पी ऐसे तल के खाने वाला ना इडली बहुत पसंद आता है, तो मैं अपने लिए साइड से बना ले रही हूँ, उसको थोड़ा सा क्रिस्पी कर ले रही हूँ। तड़का ले दे रही हूँ सरसों, कड़ी पत्ता, ये सब का फिर डाल के, और इसको इस तरीके से क्रिस्पी तल ले रही हूँ, और ऐसे मेरा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और काव्यांश भी स्कूल चला गया, परी करवा से रिजल्ट वो आ गई है रिजल्ट लेके, और चाय बना रही हूँ बगल में, मतलब वो बाद में बना हुआ था पहले से ही, और अभी खा लूँगी। तो बन के तैयार है, और जो ये चटनी बनाई थी ना बादाम की चटनी, उसमें मैंने तड़का नहीं दी क्योंकि मैंने कड़ी पत्ता लेके नहीं आए हुए थे ना, वो भेजी तो फिर वो बोले कि जाऊँगा ऐसे करके, तो लेट मिला ना, फिर काव्यांश को लेट भी हो रहा था तो वो मैं उसके लिए डाल दी कैसे ही, उसके बाद फिर तड़का ही नहीं की, तो ऐसे ही खा ले रही हूँ बिना तड़के के ही, अच्छा ही लगेगा क्योंकि ये इडली में तड़का लगाई हूँ तो चल जाएगा दोनों, मैंने जरा तो मन भी नहीं कर रहा अभी, तो चलती हूँ खा लेती हूँ। अभी इधर फोल्ड करके कपड़ा पूरा रखा हुआ है इसको,
यहाँ पर स्टैंड में जमाना है। करी परी ना फोल्ड कर रही थी, तो ठीक है अभी मैं खा लेती हूँ ये इडली। तो गाइस मैं नाश्ता कर ली थी, उसके बाद चले गई थी नहाने। नहाने के बाद खाना वगैरह भी खा ली हूँ, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, बहुत टाइम हो गया, 3:30 हो गया है। और अभी मैं आप सभी से बातें कर रही हूँ, उतना टाइम फिर काम वाम था ना, इसकी वजह से की नहीं, तो सारा काम भी हो गया है और तैयार भी हूँ मैं। देख रही होंगी आप लोग, तैयार भी हूँ, कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मतलब कल मम्मी जी थी उपवास थी, और आज है पारण, मतलब खाने पीने का दिन है आज, तो आज खाएगी मम्मी। और तो उसी के लिए बुलाई हुई थी, तो अपने मतलब घर बुलाई हुई थी, तो इसके लिए तैयार हुई थी। पर अभी ना जाने का पूरा मन बना के तैयार हुई थी, पर अब ना जाने का मन नहीं कर रहा उतना, क्योंकि अभी ऐसा ही, मतलब जाने का मन ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊंगी, मतलब अभी पता नहीं चल रहा जाऊँ या नहीं जाऊँ, ऐसा वाला मूड में हूँ। तो उसके लिए साड़ी वाड़ी पहनी थी, और अभी तो ज़्यादा ही कुछ तैयार हो गई हूँ, क्योंकि अभी नहीं जा रही हूँ, मतलब इस टाइम में जा रही हूँ, देखती हूँ शाम तक जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, पता नहीं है। तो अकेली हूँ ना, इसलिए नहीं जा रही हूँ, और जाने का अभी बहुत ज़्यादा धूप लगा इसकी वजह से थोड़ा सा मूड भी चेंज हो गया। अब कहाँ घूमने चली जाओ सोच रही, या कैसे देखती हूँ, जा पाती हूँ तो चली जाऊँगी, नहीं जा पाई तो ऐसे ही कहीं चली जाऊँगी घूमने के लिए। और मैं बोल रही थी कि मैं तैयार इसलिए इतना ज़्यादा ताम झाम टाइप से थोड़ा सा देखिए पहन ली हूँ, कान वान का ही बड़ा बड़ा घर में ऐसे ये जूड़ा वूड़ा भी बना ली हूँ इस तरीके से। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ शॉर्ट वीडियो, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ तैयार हो गई ताम झाम टाइप सा, तो इस वजह से ही। नहीं तो साड़ी सिंपल पहनी थी, नहीं तो इतना बड़ा कान वान का पहनती रही मम्मी के जाने के लिए, सिंपल सा ही छोटा मोटा पहन लेती। तो वीडियो बनाने के चलते अभी पहन ली हूँ इतना कुछ, तो चलती हूँ वीडियो बना लेती हूँ और उसके बाद मिलूँगी, मैंने सोचा आप सभी को बता देती हूँ। और उसके बाद मम्मी के यहाँ जाना होगा तो भी तो पता चल ही जाएगा आप सभी को, और नहीं जाती हूँ तो कहीं घूमने के लिए चली जाऊँगी थोड़ा सा ना। यहाँ मम्मी लोग अंबिकापुर में यहीं करते ना, मतलब यहाँ वाले घर में, तो चली जाती, और वो थोड़ा सा गाँव वाला घर ना थोड़ा दूर है, तो इस वजह से थोड़ा सा सोच रही हूँ जाने के लिए। तो ठीक है, चलिए ऐसे ही बने रहिएगा ब्लॉग में, मैं वीडियो बना लेती हूँ शॉर्ट वीडियो। तो दोस्तों मैं अभी अभी नीचे छत गई हुई थी वीडियो बनाने, तो बना ली हूँ, दो चार ही बनाई, और बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो इस वजह से नीचे आ गई हूँ। तो वीडियो डालूंगी, अपलोड करूँगी, इतना मेहनत करती हूँ तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नहीं किए हैं, और जो कर चुके हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किया है उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। इतना मेहनत करती हूँ, इतना धूप है, फिर भी गई थी वीडियो बनाने, तो अभी बस थोड़ा सा चेंज करती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, गर्मी से हालत ख़राब हो गया है। तो और अभी थोड़ा सोच रहे हैं कि मार्केट भी जाएंगे, घर तो मम्मी के यहाँ नहीं जा पाई, तो मार्केट जा रही हूँ, थोड़ा सा काम है, और उधर से ही देखते हैं और कहाँ कहाँ जाते हैं, वैसे ही बने रहेगा ब्लॉग में। कपड़ा जा रही हूँ चेंज करती हूँ, फिर सूट पहन के जाऊँगी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है साड़ी में, तो ठीक है मिलती चेंज करने के बाद। तो दोस्तों हम लोग निकल गए हैं मार्केट के लिए, तो पहले नम्रता को ले ले रहे हैं, उसके बाद जाएंगे, उसको भी कुछ सामान लेना है, तो बोल रही थी कि मौसी मेरे को भी लेके चल रहा है ऐसा करके, तो उसको भी ले लेंगे साथ में और उसके बाद चलेंगे। तो नम्रता आ गई है, काफ़ी अंधेरा इसकी वजह से दिख ही नहीं रहा है। प्रणाम मौसा। प्रणाम। नम्रता आ गई है, पीछे बैठी हुई है। हेलो। अंधेरे की वजह से दिख ही नहीं रहा है, शाम भी हो गया। कहाँ कपड़ा बोल रही है? मतलब एक कोट है उसमें जो लोगों नहीं लगवाते हैं वो सिलवाना है। तो दोस्तों अभी मैं ना हम लोग इधर ये वाले कपड़े दुकान में गए हुए थे इधर, तो कपड़ा वपड़ा ले लिए हैं, और उसके बाद ना सिलवाने के लिए फिटिंग करने के लिए यही करते हैं दुकान में ही, तो फिटिंग करने के लिए दे दीजिए। नम्रता को लेना था सूट, तो फिटिंग करने के लिए दे दिए, और उसके बाद खाने चले गए थे हम लोग उधर चौपाटी साइड, तो उधर से खा के आए, और बहुत ज़्यादा मिर्ची था इसकी वजह से सीसी सी कर, तो सूट फिटिंग कर दिए हैं, बस ले लिए, उसके बाद नम्रता को छोड़ेंगे। ठीक है ना, चेंज नहीं करके देखी, लेकिन ऐसा देखे तो ठीक है। हाँ खोल के मतलब देख लेना था ऐसा करके, तो बस अब निकल रहे हैं और उधर चली गए थे ना, ज़्यादा कुछ टाउन में इतना ज़्यादा भीड़ है ना, तो ज़्यादा कुछ वीडियो ही नहीं बनाई, मतलब वीडियो का मैं टाउन का बनाई नहीं हूँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है ना उसकी वजह से, और लेट भी हो रहा है, 8 बजे तक छोड़ना है इस वजह से। चलो बोले कि खरीदारी कर लेते हैं पहले, उसके बाद ही सब सामान ली देखिए।
कीड़ा सही में घुस रहा है, बहुत भयानक कीड़ा यहाँ पर उड़ रहे हैं। यहाँ पर तो बाप रे इतना रोशनी है ना, मतलब इधर रोड ये वाला अभी जल गया। क्या डीम क्या है? डीम का। अच्छा ये वाला हमें बोल दो ये वाले। सामान वगैरह रख ली अपने, जितना भी दुपट्टा तो लगाई वाला कहाँ गया? हाय हाँ अरे इतने घूमते बन जाएगा। और नम्रता को छोड़ दिए थे तो उसके बाद घर आए हैं, तो घर आने के साथ में हमारे ना मेहमान भी आ गए थे, तो मेरी मामी सास है ना उनके बेटे आए थे, उनको ट्रेनिंग में जाना था रायपुर, इस वजह से यहीं आ गए थे हमारे यहाँ। फिर अभी वो गए हुए हैं, तो जैसे आए हैं फिर खाना वाना बनाने में हम लोग लग गए हैं, क्योंकि उनको लेट हो जाता इस वजह से, काफ़ी लेट भी हम लोग हो गए थे, वो हमारा वेट कर रहे थे रास्ते में ही, फिर उनको लेके इधर आए, फिर खाना वाना बनाए हैं खिलाए हैं, फिर अभी वो छोड़ने चले गए हैं, और मैं भी खाना वाना खा ली हूँ और आ गई हूँ सोने के लिए। सोने क्या अभी बेडरूम में आ गई हूँ, अभी क्या सोऊँगी, तो मैंने सोचा आप सभी को बता देती हूँ। चलिए और चलिए इसी के साथ ही ना आज का ब्लॉग मेरा छोटा मोटा सा ब्लॉग, आज मैंने ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं, मतलब जो भी थोड़ा बहुत बनाई हूँ वो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मेरा डेली मतलब वेयर में जो करती हूँ वो। और कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ ऐसा ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।